आई इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने अपने 46 प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो कांग्रेस ने चौथी सूची जारी की है उसमें 46 प्रत्याशी कहाँ के घोषित किए हैं और उत्तर प्रदेश की किन किन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों के प्रत्याशी जो है इसमें घोषित हुए हैं। जो 46 की सूची आई है कांग्रेस की ओर से, पिछले दिनों सीईसी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसी समय ये तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के 9 प्रत्याशियों पर चर्चा हो गई है, बस उनके सूची जारी हुई है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार हो रहा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के तहत इस बार चुनाव ये पार्टियां लड़ेंगी, तो ऐसे में कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। और कांग्रेस ने आखिरकार वो जो 9 प्रत्याशी हैं उनको उनकी सूची जारी कर दी है। पहले ही आई इंडिया ने सभी के नामों का खुलासा कर दिया था कि इन पर कांग्रेस जो है आजमा सकती है दांव। इन नामों पर चर्चा हो गई है, सिर्फ इनके नामों की घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे में जो सूची आई है वो हम आपको बताएं और साथ में ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं इस सूची में शामिल है, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर हम आपको ये भी बताते हैं। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बार फिर से अजय राय को मुकाबला करने के लिए उतारा गया है। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे अजय राय, और इस बार खास बात ये होगी कि कांग्रेस वहां अकेले नहीं लड़ेगी बल्कि उनका समर्थन समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आएगी। फिलहाल वहां क्या स्थिति रहेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अजय राय ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे। तो वाराणसी से कांग्रेस ने अजय राय को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो सहारनपुर को लेकर पहले ही आई इंडिया इस बात का खुलासा कर चुका है अपनी रिपोर्ट के जरिए, जिसमें इमरान मसूद को कांग्रेस ने प्रत्याशी आखिरकार घोषित कर दिया है। ये निर्दलीय विधायक के तौर पर जीते थे और चेयरमैन भी रहे हैं सहारनपुर से, और ये कई पार्टियों में रह चुके हैं। पुराने कांग्रेसी थे, उसके बाद बसपा में भी गए, सपा में भी गए और फिर कांग्रेस में लौट कर आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाना माना चेहरा है इमरान मसूद को एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है सहारनपुर से। इसके अलावा अगर बात करें अमरोहा की बात करते हैं तो दानिश अली जो चर्चित चेहरा है, बीएसपी के सांसद थे, सबने देखा कि जब उन पर भाजपा ने हमला बोला तो उनकी एक फोटो जो है राहुल गांधी के साथ सबने देखी होगी, और कांग्रेस उनके समर्थन में खड़ी हुई नजर आई थी और बाद में वो कांग्रेस में दानिश अली शामिल हो गए थे, मौजूदा सांसद है। दानिश अली को कांग्रेस ने अमरोहा से प्रत्याशी घोषित किया है। इसी तरह फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सिकरवार को प्रत्याशी बनाया है, और कानपुर जहां पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, कानपुर वो नगर है जहां पर हमेशा कांग्रेस मजबूती से लड़ती आई है, कानपुर के रहने वाले श्री प्रकाश जायसवाल जो वहां से जीतते थे चुनाव और केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहे हैं श्री प्रकाश जायसवाल, कानपुर से इस बार कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को उतारा है। आलोक मिश्रा की छवि अच्छी बताई जाती है और आलोक मिश्रा वहां से कानपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। झांसी को लेकर आई इंडिया ने पहले ही बता दिया था प्रदीप जैन आदित्य, ये नामी ग्रामी चेहरा है, काफी जो है कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं प्रदीप जैन आदित्य, ये झांसी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और बाराबंकी, इनका भी नाम पहले ही आई इंडिया ने बता दिया था कि बाराबंकी जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ से तनुज पुनिया जो पीएल पुनिया के बेटे हैं, पहले भी लड़ते आए हैं और वहां पर अच्छी दमदारी से कांग्रेस लड़ती रही है, इस बार समाजवादी पार्टी का उसे सहयोग रहेगा यानी गठबंधन से लड़ रहे हैं, तो तनुज पुनिया बाराबंकी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। देवरिया की बात करें तो देवरिया से भी आपको बता दें
पहले ही आइडिया ने बता दिया था अखिलेश प्रताप सिंह यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं और कांग्रेस ने उन्हीं को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश प्रताप सिंह जाना माना चेहरा है, पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस का जोरदार पक्ष चैनलों पर जाकर रखते हैं, अक्सर देखा होगा सभी ने। तो अखिलेश प्रताप सिंह जनता के अदालत में होंगे और अब कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ेंगे, यानी कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी देवरिया से बनाया है। बांसगांव ये भी एससी सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये सद्दन प्रसाद यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और वाराणसी हमने पहले ही आपको बताया, अजय राय इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले फिर से उतारे गए हैं। तो इस तरीके से 9 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है, अन्य प्रत्याशियों की भी सूची जल्द ही जारी होने वाली है, क्योंकि कई पहले चरण के तहत आपको बता दें कि नामांकन जो है आज तीसरा दिन था और कुछ ही दिन बचे हैं नामांकन के शेष। ऐसे में अब लगातार कांग्रेस की ओर से जो बचे हुए प्रत्याशी उनकी भी सूची जल्द ही आने वाली है और खासकर सीतापुर को लेकर सबकी निगाहें लगी हुई है कि सीतापुर से आखिर गठबंधन का यानी कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा, ये हर कोई जानना चाहता है और हमारी भी इस पर नजर बनी हुई है। जैसे ही सीतापुर के बारे में कोई अपडेट आती है सबसे पहले प्रियांशु आइडिया के माध्यम से दर्शकों को हम पहुंचाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में उत्तर प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें से सहारनपुर, अमरोहा, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, देवरिया, बांसगांव और वाराणसी में 9 प्रत्याशी घोषित कांग्रेस ने कर दिए हैं। जैसा कि जानकारी दी गई कि 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं सपा और कांग्रेस गठबंधन में, जिसमें से 9 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। शेष 8 प्रत्याशी बचे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी सीट पर अब लगी हैं तो सीतापुर की सीट पर लगी हैं। और जैसे ही सीतापुर का कोई भी प्रत्याशी फाइनल होगा, आई इंडिया दर्शकों तक सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।